अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व। और ये इंटीग्रेशन की मेन एप्लीकेशन है कि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन क्या है, इसमें हम अप्लाई करते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू वन टू एक्स इज इक्वल टू टू। हमें एरिया फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम इसे ग्राफिकली डिस्कस करने लगे हैं कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक कर्व है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इसमें x क्या है, x है फ्रॉम x इज इक्वल टू वन टू x इज इक्वल टू टू, ये यहाँ पर लिमिट है। वन जो है ये लोअर लिमिट है और यहाँ पर इंटीग्रल की टू जो है ये अपर लिमिट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर हम वेरिएबल ले लेते हैं एक्स वाई, यहाँ पर हम कुछ वैल्यू एडजस्ट कर लेते हैं और सेम यहाँ पर वैल्यू हम सेट कर लेते हैं। तो आप नोटिस करें, अगर हमारे पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू पुट करूँगा ज़ीरो, जब मैं x की वैल्यू ज़ीरो यहाँ पर पुट करूँगा तो x ज़ीरो पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, ये ज़ीरो, y की वैल्यू आएगी वन। इसे हम राइट कर लेते हैं, ये x है और ये है हमारे पास y। जब x ज़ीरो पुट किया तो y की वैल्यू क्या है, वन। उसके बाद जब हम x की वैल्यू वन पुट करेंगे तो x की वैल्यू वन पर वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू, y की वैल्यू हमें रिजल्ट में क्या मिलेगी, टू। नेक्स्ट x की वैल्यू जब हम टू पुट करेंगे, x की वैल्यू टू पर हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 प्लस 1 5, वाई की वैल्यू हमें मिलेगी 5। इसी तरह जब हम नेक्स्ट पुट करते जाएंगे x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 पे 3 का स्क्वायर बनेगा 9 प्लस 1, तो x जब हम 3 पुट करेंगे तो y हमें रिजल्ट में मिल रहा है 10। नेक्स्ट सेम जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 4, तो 4 का स्क्वायर बनेगा 16, 16 प्लस 1 ये बनेगा हमारे पास 17। जब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट में y की वैल्यू क्या मिलेगी, 17। सेम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, जब हम x की वैल्यू माइनस 1 लेंगे तो क्योंकि स्क्वायर है y का बिहेवियर सेम रहेगा, माइनस 1 पे भी वैल्यू 2 ही मिलेगी। और जब हम माइनस का 2 पुट करेंगे तो सेम माइनस 2 पे भी वही वैल्यू मिलेगी जो 2 पर मिलेगी, 5। और यहाँ पर माइनस 3 पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3 पर वैल्यू भी सेम 10 मिलेगी। अब हम इसको ग्राफिकली डिस्कस करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं इस वैल्यू से। ये हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है। और जब हम ग्राफ बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोला लाइक अ यू शेप। तो यहाँ पर जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हमारा यू शेप बनेगा। अब x की रेंज है हमारे पास 1 से 3 इसको, और y यहाँ नेगेटिव में है माइनस 1, यानी ये हमारे पास है, कंसीडर कर लिया वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास है 1, x में ये वैल्यू है 1, यहाँ पर 2 और यहाँ x की वैल्यू है 3। सेम अलोंग नेगेटिव x एक्सिस ये है नेगेटिव 1, नेगेटिव 2 और ये हमारे पास है नेगेटिव 3। अब y में वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 5 में ले लेते हैं, यूनिट्स में यहाँ पर हमारे पास है ये वैल्यू 5, उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास है 10, उसके बाद ये वैल्यू है हमारे पास 15 और 15 के बाद ये वैल्यू हमारे पास 20, यानी यहाँ पर है 5, यहाँ पर 10, 15, 20, ये हमारे पास है अलोंग y एक्सिस पॉजिटिव और ये हमारे पास है अलोंग x एक्सिस पॉजिटिव। तो अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, जब हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर, जब x की वैल्यू है 1, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू क्या मिलती है, 1, यहाँ पर x की वैल्यू है हमारे पास 0 और 0 पे y की वैल्यू क्या मिलती है, y की वैल्यू 1 मिलती है। कंसीडर करें ये हमारे पास 0 पे 1 है, उसके बाद जब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू मिलती है 2, कंसीडर किया कि यहाँ पर ये हमारा 2 है। और जब माइनस 1 पुट करते हैं तो माइनस 1 पे भी वैल्यू क्या मिलती है, 2। सेम हम रफ स्केच से
बाय गैस पॉइंट ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 पर y की वैल्यू हमें मिलती है 5, यहाँ पर 2 पर 5, और सेम माइनस 2 पर भी हमें वैल्यू मिलती है 5। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 पर वैल्यू हमें मिल रही है 10, यहाँ पर ये एक पॉइंट आ गया 10, और सेम यहाँ पर माइनस 5 पे भी हमारे पास, माइनस 3 पे भी वैल्यू क्या है 10। अब जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है बेसिकली वो क्या होगा, ग्राफ बनेगा यू शेप लाइक दिस। ये हमारे पास पॉइंट्स थे जो ज्वाइन करने से हमारा जो है ग्राफ क्रिएट हुआ। अब नेक्स्ट में हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है जस्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 से 2। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास है x की वैल्यू 1 और यहाँ पर है हमारे पास x की वैल्यू 2, तो हमें एरिया फाइंड करना है ये वाला अंडर दी कर्व, ये एरिया 1 से लेके 2 तक की रेंज का, ये एरिया हमें फाइंड करना होगा कि ये हमारे पास एरिया न्यूमेरिकल फॉर्म में कितना कैलकुलेट होता है। और बेसिकली यही इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है कि हमें हम इसे अप्लाई करते हैं एरिया फाइंड करने का किसी इरेगुलर शेप का अंडर द कर्व, ये कर्व बन रही है और कर्व में जस्ट इस पोर्शन का एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास एरिया का जो फार्मूला है वो ये है, बिकॉज एरिया इज इक्वल टू इंटेग्रल ए से बी वाई डी एक्स। अब वाई क्या है, वाई है कर्व, ए बी क्या है, ए है लिमिट्स, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर डी एक्स, और लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 2, यहाँ पर हमने 1 से लेकर 2 लिमिट पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x क्यूब बाय 3 प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, 1 की इंटीग्रेशन आएगी x, और यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे 1 से लेके 2। अब इस पे अप्लाई करेंगे हम लिमिट, लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं वेरिएबल पर, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 2 का क्यूब ओवर 3 प्लस 2, ये अपर लिमिट माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट। 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब ओवर 3 प्लस 1। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास एरिया कैलकुलेट होगा, रिमेनिंग यहाँ पर मैनेज कर लेते हैं। तो एरिया क्या बना, एरिया इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम, तो ये बनेगा हमारे पास 8 प्लस 3 टू द 6, और यहाँ पर ये बनेगा 1 का क्यूब 1, 3 एलसीएम 1 प्लस 3, अगेन सिंप्लीफाई किया, ये बना हमारे पास 14 ओवर 3 माइनस 4 ओवर 3, अगेन एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एरिया का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 ओवर 3 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा एरिया का आंसर आएगा। और यहाँ पर आप नोटिस करें, सबसे पहले तो ये बात कंफर्म है कि यहाँ पर जो एरिया हमें फाइंड करना था इसमें लिमिट मेंशन थी 1 से लेके 2, अब अगर हम चाहें तो 1 से लेके 3 अगर लिमिट एरिया फाइंड करना है तो डेफिनेटली यहाँ तक ये पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लिमिट 1 से स्टार्ट करने की बजाय नेगेटिव 1 से स्टार्ट करते हैं तो हम ये एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंटेग्रल की मेजर एप्लीकेशन थी कि हम इंटेग्रल को अप्लाई करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए अंडर द कर्व, जब हमारे पास स्टैंडर्ड शेप नहीं होती लाइक रिक्टेंगल स्क्वायर है हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक फार्मूला होता है एरिया फाइंड करने के लिए। अब जब हमारे पास कोई इररेगुलर शेप होगी, जैसे ये हमारे पास जो रीजन है ये हमारे पास कोई प्रॉपर रेगुलर शेप नहीं है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करते हैं इंटेग्रल को। तो ये हमारा एक टॉपिक था, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि हमें एरिया फाइंड करना है अंडर द कर्व, और कर्व गिवन होगी इसके साथ हमें लिमिट गिवन होगी, तो ये हमें एरिया फाइंड किया है डियर स्टूडेंट।